नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कहते तो ये हैं कि सेबी जो है आम निवेशक के हित में काम करता है, इन्वेस्टर्स का सोचता है, छोटे इन्वेस्टर्स का, आपके हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का सोचता है, क्योंकि बड़े बड़े लोग बड़ा गेम कर देते हैं। आपको याद होगा पहले 1990 स्कैम जो है, हर्षद मेहता स्कैम वगैरह, एक्चुअली में उसने कुछ लूप होल्स का फायदा उठाया, इससे ज्यादा स्कैम कुछ नहीं था। बट बड़े इन्वेस्टर ज्यादातर क्या करते हैं, अपना गेम कर जाते हैं और रिटेल इन्वेस्टर फंस जाता है। इसी को रोकने के लिए सेबी बनाया गया था और सेबी जो है कोशिश भरपूर करता रहता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को कैसे बचाया जाए। बट एक्चुअली में जो हम लोगों के सामने अभी तक आया है वो ये कि सेबी इतना लेट रहता है कि बस नाम के लिए कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए काम हो रहा है, एक्चुअली में रिटेल इन्वेस्टर के लिए कोई काम नहीं कर रहा। रिटेल इन्वेस्टर अपने आप ही लॉस खाता है, अपने आप ही प्रॉफिट बनाता है और फिर दूसरों पे आरोप, मतलब वही इल्जाम लगाने वाली बात है जो हमेशा से होता आता है, वो होता है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर हम सभी को अच्छे से याद है जो खत्म हो गया, ठीक है जी। ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर को सेबी ने कब पकड़ा, 5 साल बाद, कि भैया इसमें कुछ गड़बड़ चल रही है, ये वो है, तब तक शेयर पूरी तरीके से धराशायी हो गया। कितने पंप और डंप के मामले सेबी ने पकड़े हैं, लेकिन तब तक शेयर पंप भी हो चुका था, डंप भी हो चुका था, फिर क्या फायदा उस पकड़ने का। ये सारी चीजें आपको ये जरूर बताती हैं कि सोच कर समझ कर निवेश करें, सावधानी से करें। मार्केट में आपके लिए कोई काम नहीं कर रहा है, आपसे ज्यादा आपके पैसे की चिंता किसी को नहीं है। यहां पे अगर आपको कोई राय दे रहा है ये खरीद लो वो खरीद लो, ये बेच दो वो बेच दो, तो समझ लो हो सकता है वो अपने फायदे के लिए ही आपको ये करवा रहा हो। क्योंकि अगर मैं आपको खरीदने के लिए बोल रहा हूं तो शायद क्या पता मुझे ही अपना सौदा बेचना हो, समझ रहे हो, और मैं आपको बेचने के लिए बोल रहा हूं तो क्या पता मुझे खुद खरीदना हो। तो आपको खुद सोच समझ कर निवेश करना पड़ेगा। ये हमें इन सारे जो कांड हुए हैं इनसे समझ में आती है, सीख मिलती है। अब सेबी एक नई चीज पे फोकस करने लगा है, क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ये ना एक ऐसी मार है जो लग रहा है कि हमारे हित में है, लेकिन हम पे ही मार पड़ रही है। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। अभी चर्चा काफी आपने सुनी होगी, ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है उस पर टैक्स बढ़ाने की बात चल रही है। जी हाँ, ये जो FNO में हम लोग ट्रेड करते हैं ना, इसके प्रॉफिट और लॉस को बिजनेस में हम सेटल कर सकते हैं, ठीक है जी, ये बिजनेस इनकम मानी जाती है एक तरीके से। अब सेबी कह रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर को मैं रोकना चाहता हूं ट्रेडिंग से, वो रुक नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं टैक्स बढ़ा देते हैं। अरे भाई, रिटेल इन्वेस्टर वो छोटा मोटा काम करता है बेचारा, उसे टैक्स से क्या फर्क पड़ना है। ये तो आप फिर बड़े इन्वेस्टर के लिए कर रहे हो कि बड़ा इन्वेस्टर टैक्स और ज्यादा पे करेगा, आपकी जेब भारी होगी, सरकार की जेब भारी होगी। बाकी तो रिटेल इन्वेस्ट, मुझे बताओ आप लोग जब ट्रेड मारते हो क्या कभी टैक्स देखते हो, कभी नहीं। आप तो ब्रोकरेज चार्जेस देते होगे बस, ज्यादा से ज्यादा टैक्स का तो आपने कभी भरा ही नहीं होगा ITR में, मेरे को नहीं लगता। तो रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल ट्रेडर जो होता है बेचारा छोटा ट्रेडर, वो तो टैक्स वगैरह को फॉलो ही नहीं करता, वो ध्यान ही नहीं देता उन जगह। तो ये एक्चुअली में लग तो ऐसा रहा है कि, मतलब बोला ये जा रहा है कि अब देखो, पहले सेबी ने मुहिम निकाली, एक स्टडी के द्वारा पता चला कि 10 में से 9 ट्रेडर लॉस खाते हैं। खूब चिल्ला चिल्ला के इसका प्रमोशन हुआ, किसी ने नहीं सुनी, और अगर कोई सुन भी रहा होगा तो ये जो एक्सचेंजेस है ना, ये आए दिन आपके लिए नया प्रोडक्ट खड़ा कर रहे हैं कि करो ट्रेड, तो कैसे कोई व्यक्ति ट्रेड ना करे। बिजनेस चैनल्स पे बार बार आके कि आज इसकी एक्सपायरी है, आकल उसकी एक्सपायरी है, इसमें ये पोजीशन, उसमें ये पोजीशन, कैसे व्यक्ति ट्रेड ना करे। आपको लिटरली इस ट्रेड से रिटेल इन्वेस्टर को दूर करना है, तो पहले तो आप ये जो इतने सारे प्रोडक्ट बन के खड़े हैं इन प्रोडक्ट्स पे रोक लगा दो। पहले निफ्टी में महीने की एक ट्रेड बनता था, आज महीने के 4 ट्रेड बनने हैं, हर दिन किसी ना किसी की एक्सपायरी बन रही है, लगा दो रोक, रोक दो एक्सचेंजेस का कमाई, तब बनेगा ना रिटेल इन्वेस्टर कैश की तरफ अपने आप चला जाएगा। लेकिन ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वहां पे तो एक्सचेंज का मारा है, उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। दूसरी बात, आप पे भी तो बड़ा पैसा आ रहा है, तो ये भी रुक जाएगा, ये भी, इसलिए भी ये नहीं करेंगे। ये ऐसा कर रहे हैं कि इनकी जेब तो भारी हो जाए और नाम हो जाए रिटेल इन्वेस्टर का लिया गया है। तो ये सारी चीजें, ये जो टैक्स का मामला चल रहा है, मेरी नजरों में तो टोटल फ्रॉडिया मामला है। बट आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि आप अपने लिए काम करो, ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता है, ट्रेडिंग में पैसा केवल ब्रोकर का बनता है, और एक ब्रोकर आपको बार बार
ट्रेड करने के लिए फोर्स करेगा, बार बार सौदा दिखाएगा। एक ट्रेडर इतना ज्यादा, मतलब मैं वर्ड बोल दूंगा अभी तो वो गलत वर्ड हो जाएगा, एक जो ब्रोकर होता है ना वो इतना ज्यादा खराब आदमी होता है, वो आपको कॉल करके कहेगा 100 रुपए पे चीजें उठाओ, 110 जाएगी, और वो हकीकत में 110 भी जानी होगी ना, तो वो 104 पे बिकवा देगा, 106 पे दोबारा कहेगा दोबारा उठाओ, फिर 110 पे बिकवाएगा। उसने इस सौदे में 3 ट्रेड लगवा देने आपके, क्योंकि उसका पैसा भी बन जाएगा। तो आपको शेयर बाजार में अगर असली में पैसा बनाना है, मैं बार बार वही बोल रहा हूं, अपने दिमाग से करना पड़ेगा। नहीं आ रही है चीजें समझ में, ETF में निवेश करो यार, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा पैसा बनता है, ट्रस्ट मी। मार्केट को आउट परफॉर्म करोगे आप और आपका दोस्त, दो लोग ऐसे चुन लो जो काम करते हैं बाजार में। आप सिर्फ निफ्टी ETF में पैसा लगाते रहो और वो जैसे करता है करते रहने दो, 3 महीने 6 महीने 1 साल 1.5 साल ज्यादा से ज्यादा 2 साल, हो सकता है वो आपसे ज्यादा पैसा बनाता हुआ दिखे, लेकिन आप चुपचाप करते रहना। एट द एंड जब आप 4 या 5 साल बाद देखोगे उससे ज्यादा पैसा आपका होगा, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फंस चुका होगा, लॉस खा रहा होगा, बड़े मतलब ट्रैप में होगा, लेकिन आप चुपचाप बैठे बैठे आराम से गेन कर रहे होगे, और फिर कंपाउंडिंग प्ले करने लगेगी आपके लिए और वो बेचारा वहीं रह जाएगा। तो आप ETF पे भरोसा कर लो, सिंपल है, म्यूचुअल फंड पे भरोसा कर लो, सिंपल है। लेकिन ये जो करा जा रहा है ना, ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा खिलवाड़ है, आप सोच समझ के कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।